वेलकम टू द डोज ऑफ शाहिद। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, अच्छी तरह से हैं, फिट हैं, फैंटास्टिक हैं। होप आप सब अच्छी तरह से होंगे, अपनी लाइफ में बेटर होंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे होंगे कोरोना वायरस से। अभी है, खौफ निकल रहा है। तो आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यू गाइज आर सपोर्टिंग एंड प्लस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस। एंड बहुत सारे लोग बता रहे हैं यार आपने ट्रांसप्लांट किया है एंड ऑल दैट। वेल, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, बट फर्स्ट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। यू हैव टू वॉच टिल द एंड, तब जाके आपको समझ आए। आप बीच में जाके स्किप करोगे तो फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, राइट? तो मैं ये चाहता हूँ अगर मैं आपको कोई चीज़ बोलूँ, इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, राइट? इट शुड बी इंफॉर्मेटिव और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो और आपको उससे बेनिफिट मिले, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट मैं बस ऐसे एजम्पशंस करके आप एजम्प्ट करोगे इसने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, तो दैट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड पहली चीज है कि सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो उस फील्ड में आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे बड़ी क्या है, अगर कामयाबी चाहिए आपको तो यू नीड टू हैव अ पेशेंस। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे ना अपनी लाइफ में, तो तब तक आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, और रही बात उस मतलब मैंने ये कैसे किया था, तो इसका कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है कि मैंने क्या क्या किया नहीं था। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं इसके बारे में, मैंने क्या किया था। बट उसके जो मेन चीज़ें हैं ना, जो मेन चीज़ें मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा, फिर तब जाके यू विल गेट अ नाइस रिजल्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले इंट्रो करते हैं, तो इंट्रो के बाद मिलते हैं, बाय। वेलकम बैक। तो सबसे बड़ी बात है, पहली चीज मैं बताऊंगा, मैं सबसे पहली चीज बताऊंगा वो है हेयर लॉस स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है नॉर्मली कि इंसान स्ट्रेस में आ जाता है, नो डाउट इट्स अ पर्सनैलिटी एट ऑल। मगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग लाइट ले लेते हैं फिर, मतलब कुछ टाइम के बाद। या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि ये अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ऐसा सारा आ जाता है कि यार अब कोई लड़की नहीं पटेगी, ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, शादी नहीं होगी, गंजा हूँ। हाँ, ये हर किसी के लाइफ में आ जाता है, पर अगर हम उस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, एक पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर नज़र रखेंगे कि क्या करना है हमें, हाउ टू फिक्स दिस द हेयर प्रॉब्लम, तो उसका एक सिंपल सा और सिंपल सरल सा एक उपाय है ये जो मैंने यूज़ किया था, दैट इज़ जिंजर, गार्लिक और ऑयल, कुकिंग ऑयल विच इज़ सोयाबीन ऑयल। इट शुडन बी विद द क्या कहते हैं, सॉल्ट नहीं होना चाहिए उसमें। उसको मैं ग्राइंड करता था, ग्राइंड करके तीनों को मिक्स कर देता, हफ्ते के लिए पेस्ट बनाता था और हफ्ते में 5 दिन में लगाता था वो, 5 days a week। नॉर्मली ओवरनाइट छोड़ता था मैं, ठीक है, ओवरनाइट छोड़ के फिर क्या करता था, सुबह वॉश कर देता एक हर्बल शैम्पू से। मगर वो शैम्पू मैंने रेगुलरली यूज़ किया और आई हैड अ गुड बेनिफिट्स, ठीक है। और मैं वो सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ जो मैं यूज़ करता था। ओके, हो गई ये पहली चीज़। तो हफ्ते में फिर 7 दिन होते हैं, तो 2 दिन क्या करता था, तो 2 दिन में क्या करता था, 2 दिन में ओनियन जूस जो रहता है ना, ओनियन का जूस जो रहता है उसको मैं डालता हूँ। ये ना ओनियन पहले उसको क्या करता हूँ, उसको भी ग्राइंड करता हूँ, फिर एक कर्चिफ में डालता हूँ, फिर उसको स्क्वीज़ करता हूँ। स्क्वीज़ करने के बाद उसको मैं एक बॉटल में रखता हूँ, फिर मैं स्प्रे करता था, राइट? तो यानी कि हफ्ते के 7 दिन में कंटिन्यूसली बिजी रहता था शाम के टाइम, ठीक है। और सुबह उठने के बाद मेरे बाल छोटे रहते थे बिल्कुल, जब क्योंकि हेयर लाइन तो खत्म थी, पीछे वाली जो थी ना, पीछे वाली हेयर लाइन, यहां तक बाल थे, सामने इतने बाल नहीं थे, सामने खत्म हो गया। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज में, अगर आप मैं प्ले लिस्ट ही आई बटन में डाल देता हूँ, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जब सुबह वॉश करता था अपने हेयर्स, उसके बाद मैं नॉर्मली एक चीज़ करता था, वो था वॉश करने के बाद 5 मिनट में क्या करता, हेयर मसाज करता था, अपनी उंगलियों से ऐसे 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 दबाता था पूरे स्किन के अंदर, ठीक है,
पूरे ना पूरे अच्छी तरह से मुझे नींद आ रही है इस चीज़ से. ओके, सुबह 5 मिनट करता था मैं, ठीक है, और शाम को जब मैं लगाता था ना वो पेस्ट, उस पेस्ट को लगा के फिर ऐसे 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 मसाज करता था जो कि वो रूट्स तक पहुंच जाता था, ठीक है. उस वजह से अब बहुत सारे लोगों को रिएक्शन कह रहे हैं, रिएक्शन जल रहा है वल रहा. तो दिस इज़ हाउ द ब्लड सर्कुलेशन वर्क. जब आपके अंदर वो जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाता है तो अगर आप डायरेक्ट डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा थोड़ा जलेगा, अगर आप उसमें ऑयल डालेंगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोकोनट ऑयल डालूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ऊपर वर्क हुई है ना, मैं वही बोलूँगा जो मेरे ऊपर काम आई है, मेरे बाल आए वापस, तो मैं वही बोलूँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा. रही ये बात, हो गई ना ये बात, उसके बाद हम एक चीज़ करेंगे, हो गया ये, तो अब उसके बाद है डाइट के ऊपर आ जाता है. अब डाइट क्या करेंगे आप, डाइट का सबसे बड़ा ख्याल है, अब आपको अपने डाइट में ले आना पड़ेगा प्रोटीन. प्रोटीन प्रोटीन में क्या मिलेगा आपको कि प्रोटीन से आपके बाल, ये तो बाल प्रोटीन ही रहते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अंडे खाने पड़ेंगे. अंडे का एग वाइट्स है ना, अगर आपका एक्स्ट्रा वेट भी हो गया तो वो भी लूज हो जाएगा, ठीक है. एग वाइट्स 2 अंडों का एग वाइट्स खाया कीजिए सुबह सुबह, तो दैट्स द बिग थिंग. और उसके बाद एक और चीज़ थी, वो था शैम्पूज. शैम्पू तो मैं नेचुरल यूज़ करता था, ठीक है, नेचुरल शैम्पू, ऑलवेज यूजिंग नेचुरल शैम्पू. और रही बात ओरल सप्लीमेंट्स, अब सप्लीमेंट्स तो इतने सारी चीज़ें तो नहीं होती थी, तो मैं नॉर्मली क्या खाता था, मैं खाता था ये क्या कहते हैं मल्टीविटामिन, A to Z मल्टीविटामिन. तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि कौन सा मल्टीविटामिन खाता था मैं, ठीक है. और रही बात अब फाइनल की, तो रिजल्ट्स मुझे पहले नहीं दिखे, आई टेल यू ऑनेस्टली, मगर मैंने पेशेंस रखे 6 मंथ तक मैंने पेशेंस रखे. तो उसके बाद मेरे बाल थोड़े 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 ग्रो होने लगे, तो फिर मैं खुश होने लगा, नहीं यार कुछ तो भी फ़र्क है. मगर मेरे बाल लंबे, मैं फिर कंटिन्यूसली, क्योंकि जब बाल ही नहीं होते तो अजीब दिखता था, तो उसके बाद मैं क्या करता था, कैप भी लगाता था, ये भी लगाता था. फिर मुझे किसी ने बोला कैप मत लगाओ, कैप बिना कैप के रहा करो, क्योंकि थोड़ा एयर आ जाएगा तो इनको हवा भी लग जाएगी तो बेहतर रहेगा. तो फिर मैंने किया, वो कैप नहीं लगाता था, फिर मैं मसाज दिन में कभी भी टाइम मिलता था, मतलब ऑफिस से या कहीं पे भी काम पे था होता था, तो मुझे क्या करना होता था, मैं मसाज करता था 5 मिनट 5 मिनट, बाथरूम में जाता था, टाइम बाथरूम में करना क्या रहता है, यह अपनी बात बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस. बाथरूम में जाता था, बैठता था, तो उस टाइम के दौरान मैं क्या करता, हाथ को उठाता था तो मसाज करता था, ठीक है. तो मतलब अपनी जगह शौक था, नहीं बाल यार वापस आ जाए. और रही बात जब मुझे दिखा ना कि बाल वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं कंटिन्यूसली ट्रिम करता गया. तो ना ही भी बोल रहा था, ना ही भी शौक में आ गया कि भाई आपके बाल तो वापस आ रहे हैं, ये क्या किया आपने. तो नाई को भी मैंने बोल दिया ऐसे, तो उसने भी बहुत सारे लोगों को बताया था, तो बहुत सारे लोगों को फ़र्क भी हो गई जिनके झड़ रहे थे. आधे लोगों को कभी कभी वो पैच आ जाते ना, तो दाढ़ी में पैच आ जाता, अगर वो भी आप खाली ये है ना गार्लिक है ना, गार्लिक के क्लाफ ले लो, उसको काटो, फिर अगर वो भी करोगे, वो पैच पे लगाओगे ना कंटिन्यूसली, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है. और फाइनली मेरे बाल आज इतने हैं, लास्ट ईयर मैंने लंबे बाल रखे थे, यहाँ तक शोल्डर्स तक रखे थे, सारे लोग बोल रहे थे अरे यार इसने तो ये किया, इसने तो ट्रांसप्लांट, अरे ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उतने बाल नहीं आएंगे जितने मेरे हैं अभी प्रेजेंटली. ट्रांसप्लांट में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ये इट्स अ क्वाइट अ गुड रिजल्ट दैट यू कैन सी इन माई हेड. तो अब मुझे ये वीडियो लंबा नहीं करना है, कहना है ये, आप लोगों से मैं इतना प्यार करता हूँ, आप मुझे इतनी इज्जत देते हो, आई लव यू सो मच फॉर दैट. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके आप जाया कीजिए, और लिंक्स में सब प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर आप खरीदना चाहेंगे अमेजोन की लिंक्स में सब मैं डाल देता हूँ, तो यू कैन यूज़ दैट. एंड प्रेफरेबली मैं सबसे ज़्यादा काम क्या करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं देता हूँ आप लोगों को नेचुरल क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स, जिससे आप लोगों के हेयर्स अच्छे रहे, ठीक है. एंड परसों मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था पहली बार, तो उसके परसों से मैंने यूज़ किया, तो आई फील लाइक या इट हैज़ अ गुड फील, ऑनियन फील हो रहा है मुझे उसमें, इट हैज़ अ गुड फील. बट मैं एक ही दिन में या 3 दिन में नहीं कुछ बोल सकता, बट इट हैज़ अ मतलब अच्छा दे रहा है अभी, क्योंकि 1 महीने तक जब तक मैं यूज़ ना करूँ तब तक वो मुझे
मुझे कम्प्लीटली आइडिया नहीं आएगा कैसा है, बट इट इज डूइंग बिट बेटर. एक महीने के बाद मैं बोलूंगा, 15-20 दिन के बाद बोलूंगा मैं हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और 1000 तक पहुंचा दो यार. ठीक है, 1000 तक पहुंचा दो. और पॉसिबली मैं पता नहीं इस पे चैनल पे अपलोड करूँ मेरा ये ट्रैवल वीडियो कि नहीं, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड. सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, पीस. Every single day.